स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर सेकंड, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड. इस चैप्टर के अंदर बच्चों हमें ये जानना है कि फूड में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सो बिफोर आई स्टार्ट दिस चैप्टर, वी हैव ऑलरेडी लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर दैट व्हाई वी नीड फूड. हम प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं बच्चों कि आखिरकार लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की नीड क्यों है. ठीक है, बिकॉज देखिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के सपोर्ट के लिए उन्हें कुछ बेसिक नीड्स की जरूरत होती है. जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना हवा, मतलब बिना विदाउट एयर वो सर्वाइव नहीं कर सकता, विदाउट वाटर वो सर्वाइव नहीं कर सकता है. उसी तरीके से विदाउट फूड, ठीक है, भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है. ठीक है, तो फूड इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक नेसेसिटीज फॉर द लाइफ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी की लाइफ के लिए जो बेसिक नीड्स होती हैं उनमें से एक बेसिक नीड हमारा भोजन भी है. ठीक है, फूड भी है. ओके, सो देखिए फूड आखिरकार हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है. तो बेटा फूड हमें प्रोवाइड करवाता है ग्रोथ. ठीक है, अगर आप अच्छा खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी की ग्रोथ अच्छी होगी. ठीक है, तो फूड पहली बात तो हमारी बॉडी की ग्रोथ में हमारी हेल्प करता है. ठीक है, सेकेंड थिंग, फूड जो है वो हमारे सेल्स को रिपेयर करने में भी हमारी हेल्प करता है. सेल्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है, इसको कैसे समझेंगे बच्चों? जैसे देखिए आप कभी खेलने जाते हैं, ठीक है, और खेलते खेलते मान लो कोई बच्चा गिर जाता है तो उसकी स्किन जो होती है वो क्या हो जाती है, छिल जाती है. ठीक है, कभी कभी आप लोगों की स्किन छिल गई होगी तो आप क्या करते हो, दो तीन दिन बाद आप देखते हो तो वापस से नई स्किन आ जाती है बच्चों, है ना. तो यहाँ पे क्या हुआ, जब स्किन डैमेज हो गई थी इसका मतलब हमारे जो सेल्स थे वो डैमेज हो चुके थे. ठीक है, हमारी बॉडी सेल्स से बनी है बच्चों. ठीक है, तो जब हमारी स्किन डैमेज हुई तो उसमें बहुत सारे सेल्स जो है वो मर गए, डैमेज हो गए. तो उन सेल्स को रिपेयर किया गया, वापस से रिपेयर किया गया. ठीक है, तो वो रिपेयर करने में हेल्प किसने की, फूड ने की. ठीक है, हम जो खाना खाते हैं वो फूड जो है हमारी बहुत तरीके से हेल्प करता है. ठीक है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है. ठीक है, आज हम और आप या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो वर्क करता है, ठीक है, वो कैसे कर पा रहे हैं, आज हम और आप वर्क कैसे कर पा रहे हैं, विदाउट एनर्जी, बिना एनर्जी के, बिना ताकत के आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं. ठीक है, बिना ऊर्जा के. ठीक है, तो बॉडी के अंदर एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाता है बच्चों, फूड. अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी. ठीक है, और अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी तो आप कोई भी वर्क नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो फूड जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, फूड हमारे सेल्स को रिपेयर करने में हमारी हेल्प करता है, फूड जो है वो हमें हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए हमारी हेल्प करता है. एंड फूड से अगर आप अच्छा खाना खाएंगे बच्चों तो हमें हमारी जो बॉडी है वो डिजीज फ्री रहेगी. ठीक है, मतलब हमें कोई भी डिजीज नहीं होगी, हम बीमारियों से भी दूर रहेंगे अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो. ठीक है, सो फूड के इंपॉर्टेंस तो समझ में आ गया कि फूड आखिरकार हमारे लिए क्यों जरूरी है. अब हम देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो फूड में प्रेजेंट है. तो देखिए फर्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड में सबसे पहला कंपोनेंट है हमारा न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, सो फर्स्ट कंपोनेंट न्यूट्रिएंट्स, सेकंड वन इज रफेजेस जिसको हम डाइट्री फाइबर्स भी बोलते हैं, एंड थर्ड वन इज वाटर. ठीक है, तो सो ये थ्री कंपोनेंट्स है बच्चों फूड के. ओके, सो एक एक करके हम सभी कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है. ठीक है, किसे कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या है बच्चों? तो न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जिन सब्सटेंस की जरूरत हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को होती है उनकी बॉडी की ग्रोथ के लिए. ठीक है, उनके सेल्स के रिपेयर के लिए. ठीक है, एंड मेंटेन, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए. ठीक है, तो अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, हमारे सेल्स के रिपेरेशन, हमारे सेल्स को रिपेयर होने के लिए, ठीक है, हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए जिन सब्सटेंस की नीड होती है, जिन सब्सटेंस की जरूरत है, उन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. ओके, सो न्यूट्रिएंट्स को डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों? तो न्यूट्रिएंट्स इज अ सब्सटेंस दैट एन ऑर्गेनिजम्स नीड फॉर ग्रोथ, रिपेयर
एंड मेंटेनेंस ऑफ इट्स बॉडी, और अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, जिन सब्सटेंस की नीड होती है उन सब्सटेंस को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्लियर? ठीक है, अब कौन कौन से सब्सटेंस हैं, कौन कौन से सब्सटेंस हैं जिन सब्सटेंस की हेल्प से हमारी बॉडी में ग्रोथ हो सकती है, हमारे सेल्स रिपेयर हो सकते हैं और हमारी बॉडी मेंटेन रह सकती है। ठीक है, सो सबसे पहला न्यूट्रिएंट्स होता है बच्चों कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड वन इज प्रोटीन, थर्ड वन इज फैट, फोर्थ वन इज विटामिन्स एंड फिफ्थ वन इज मिनरल्स। ठीक है, तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है वापस से देख लीजिए। पहला हमारा है कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड वन इज प्रोटीन, थर्ड वन इज फैट एंड फोर्थ विटामिन एंड फिफ्थ मिनरल्स। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो न्यूट्रिएंट्स हमें फूड से मिलते हैं। ठीक है, तो यही न्यूट्रिएंट्स हमारी हेल्प करता है हमारी बॉडी को फिट रखने में, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। ठीक है, क्लियर? अब एक एक न्यूट्रिएंट्स को हम पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बेटा? तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आर बॉडी। हम सभी की बॉडी को एनर्जी चाहिए, एनर्जी फूड से मिलता है बच्चों। तो फूड में कौन से न्यूट्रिएंट्स के होने से हमें एनर्जी मिलेगा? तो फूड में जो हमारा न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट, ठीक है, इसकी प्रेजेंस से हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही मेन सोर्स है एनर्जी का। अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे बच्चों तो कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो सबसे मेन सोर्स है एनर्जी का कौन सा न्यूट्रिएंट्स? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, सो इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट को दे आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं बच्चों? हम ऐसे फूड जिनमें कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट ज्यादा हो उन फूड को हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ओके, अब देखिए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के भी दो मेन टाइप्स होते हैं, दे आर द टू मेन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट वन इज शुगर एंड सेकेंड वन इज स्टार्च। ठीक है, तो ये दोनों ही जो है हमारे मेन टाइप हैं किसके? कार्बोहाइड्रेट्स के। तो कार्बोहाइड्रेट्स के दो टाइप, शुगर एंड स्टार्च। सो शुगर के बारे में देखते हैं बच्चों, शुगर क्या होता है? तो शुगर जो है वो एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। शुगर कैसा कार्बोहाइड्रेट है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और ये किस तरीके से फाउंड होता है बेटा? शुगर जो है वो एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है और ये हमें मिलता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के फॉर्म में। किसके फॉर्म में मिलता है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है, ये दोनों, इसी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, इन दोनों के फॉर्म में हमें ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो कि है शुगर, वो हमें मिलता है। ठीक है, तो जो भी ग्लूकोज हम लेते हैं ना बच्चों, वो ग्लूकोज क्या होता है हमारा? सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, दे हैव स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, ग्लूकोज का टेस्ट कैसा होता है बच्चा? ग्लूकोज का टेस्ट होता है स्वीट। ठीक, तो शुगर दे हैव स्वीट टेस्ट। ठीक है, अब देखिए ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है ना शुगर, वो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। ठीक है, मतलब आप बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा वीक फील कर रहे हो, आपको फटाफट एनर्जी चाहिए। ठीक है, इंस्टेंट मतलब तुरंत एनर्जी अगर चाहिए तो आप शुगर लेंगे। ठीक है, तो शुगर लेने से क्या होगा बेटा? ये हमें फटाफट एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो दे प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। ठीक है, अब आपको जो शुगर है वो उसके सोर्सेस क्या क्या है, मतलब आप क्या खाओगे जिससे आपको ये शुगर मिले? ठीक है, मतलब सिंपल कार्बोहाइड्रेट मिले, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं बच्चों जिन फ्रूट्स के अंदर शुगर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वो फ्रूट्स कौन कौन से हैं? लाइक बनाना। ठीक है, बनाना है, ग्रेप्स है, मैंगो है, पपाया है। ठीक है, तो इस तरीके के जो फ्रूट्स होते हैं बच्चों, ठीक है, कौन कौन से फ्रूट? बनाना, मैंगो, पपाया, ठीक है, एंड ग्रेप्स। इस तरीके के जो हमारे फ्रूट्स हैं, इन फ्रूट्स में सिंपल कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब ग्लूकोज या फ्रुक्टोज पाया जाता है जिससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। ओके, उसी तरीके से आप सिंपल जो कॉमनली हम जिसको शुगर कहते हैं, ठीक है, कैन शुगर, उससे भी आपको एनर्जी मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकेंड हमारा जो टाइप है स्टार्च। स्टार्च भी बेटा एक तरीके का
कार्बोहाइड्रेट है, बट स्टार्च जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, शुगर क्या था? सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, स्टार्च कैसा है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। अब इसका मतलब जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है मतलब शुगर, वो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज के फॉर्म में मिलता है। ओके, स्टार्च क्या होता है बेटा? तो स्टार्च एक तरीके का रिजर्व फूड मटेरियल है। रिजर्व फूड मटेरियल का मतलब क्या होता है बेटा? रिजर्व फूड मटेरियल का मतलब क्या होता है बच्चों? प्लांट का एक रिजर्व फूड मटेरियल है। रिजर्व फूड मटेरियल का मतलब होता है जैसे प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाता है, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, प्लांट आर द ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, खुद का खाना खुद बनाते हैं, दे डू नॉट डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। ठीक है, बट उनके फूड प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए रहती है ये भी हम पढ़ चुके हैं। उनको चाहिए रहती है कार्बन डाइऑक्साइड, उन्हें चाहिए रहती है वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जिसके वजह से प्लांट अपना खाना बना सकता है। ठीक है, तब प्लांट बनाता है ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब प्लांट ने जो ग्लूकोज बनाया वो उसका खाना है, फूड है। अब प्लांट क्या करेगा, उन फूड में से जितनी उसको चाहिए अपने फंक्शंस के लिए वो क्या करेगा, उतना यूटिलाइज कर लेगा। बाकी का कुछ खाना जो है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करके रख लेगा। ठीक है, समझ में आ रही चीज? जो कुछ फूड है उसको वो स्टोर करके रख लेगा, जमा करके रख लेगा, वो तब यूज लेगा जब प्लांट खाना नहीं बना पाता है। प्लांट खाना कब नहीं बना पाएगा? रात के टाइम, नाइट टाइम। नाइट के टाइम क्या होता है बेटा? सन की लाइट नहीं होती है ना, तो प्लांट अपना खाना कैसे बनाएगा? तो उस टाइम पे उस फूड का यूटिलाइज प्लांट करता है। ठीक है, तो जो रिजर्व फूड मटेरियल है ना, उसी रिजर्व फूड मटेरियल को हम कहते हैं स्टार्च। ठीक है, क्लियर? सो इट इज अ रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ द प्लांट। प्लांट का रिजर्व फूड मटेरियल ही स्टार्च कहलाता है। ठीक है, एंड जो प्योर स्टार्च होता है बच्चों, प्योर स्टार्च जो होता है उसका टेस्ट नहीं होता है, टेस्टलेस। जैसा हमने पढ़ा था कि सिंपल शुगर जो है हमारा, ठीक है, ये जो शुगर है जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है उसका टेस्ट कैसा है? स्वीट। ठीक है, जब खाएंगे तो मीठा लगेगा, बट स्टार्च जो प्योर स्टार्च है वो टेस्टलेस, ऑडरलेस। ऑडरलेस मतलब क्या है? उसमें कोई स्मेल नहीं है। ठीक है, ना कोई खुशबू है, ना कोई बदबू है। ठीक है, कोई स्मेल नहीं है, ऑडरलेस है। व्हाइट पाउडर, और व्हाइट कलर का पाउडर होता है स्टार्च। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, जैसे आपकी मम्मियाँ कभी आलू या कभी आपकी मम्मियाँ पोटैटो वगैरह कट करती हैं, तो नाइफ से जब कट करती हैं पोटैटो को, उसके बाद जब नाइफ को छोड़ दें, ठीक है, तो नाइफ को जब आप छोड़ दोगे उसको धोओगे नहीं, वॉश नहीं करोगे। ठीक है, और थोड़ी देर बाद आप उस नाइफ के ऊपर क्या देखोगे कि व्हाइट कलर की एक लेयर आ गई है, व्हाइट कलर का एक पाउडर है जो इकट्ठा हो गया है, वो व्हाइट कलर का पाउडर स्टार्च कहलाता है बच्चों। ठीक है, वही स्टार्च होता है। सो स्टार्च के सोर्सेस क्या क्या है, हमें क्या क्या खाएंगे हम जिससे हमें स्टार्च मिलेगा? सो राइस, ठीक है, चावल, व्हीट, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। ठीक है, ये सारे जो है हमारे मेन सोर्स है किसके? स्टार्च के। ठीक है, क्लियर? और ये जो फ्रूट्स बताए, बनाना, ठीक है, पपाया, मैंगो, ग्रेप्स, ये सब किसके सोर्स है? हमारे शुगर के। ये इंस्टेंट एनर्जी देता है, और स्टार्च जो है वो थोड़ा धीरे धीरे करके एनर्जी देता है। ठीक है, मतलब एज कंपेयर टू शुगर ये थोड़ा स्लो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है हमारी बॉडी को। क्लियर है? ठीक है, तो आई होप आपको कार्बोहाइड्रेट समझ में आया होगा बच्चों। ओके।